जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी को अच्छे से देखना है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। मनुष्यों के वे दावे जो उनके विकास के लिए परम आवश्यक हैं तथा जिन्हें समाज अथवा राज्य मान्यता प्रदान करता है। क्या है फंडामेंटल राइट? मनुष्य के वे दावे जो उनके विकास के लिए परम आवश्यक हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स ना हो तो शायद एक मानव जीवित ही ना रहे। आपके हमारे, आज मैं यहाँ खड़े होकर बोल पा रही हूँ तो मुझे कुछ अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। मैं सरकार का विरोध करती हूँ, सरकार की निंदा करती हूँ तो मुझे कुछ अधिकार मिले हुए हैं। अगर मुझे अधिकार ना मिले हुए होते तो सरकार मुझ पर अत्याचार करती रहती, मेरी समाज मुझ पर अत्याचार करती रहती, मैं जीवित नहीं रह पाती। तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं, उन अधिकारों को ही क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। मनुष्य के वे दावे जो उसके विकास के लिए परम आवश्यक हैं तथा जिन्हें समाज अथवा राज्य मान्यता प्रदान करता है। या दूसरी डेफिनेशन, मौलिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। अभी मैंने बताया, अब मेरे मौलिक अधिकार, मान लो मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अभी तो मुझे संविधान ने अधिकार दे रखे हैं, लेकिन मुझे अधिकार नहीं दे रखे होते तो क्या मैं न्यायालय जा पाती? नहीं जा पाती, मैं घुट घुट के ही मर जाती कि मतलब मुझे ना जीने का अधिकार है, ना मुझे बोलने का अधिकार है, ना मुझे कुछ खाने का अधिकार है, ना मुझे कुछ पहनने का अधिकार है। संविधान ने हमें अनेक अधिकार दिए हुए हैं जो हमारे, हमें जीवित रहने के लिए, जो हमारे विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं, उन्हीं अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार क्या हैं? मनुष्य के वे दावे जो उसके विकास के लिए परम आवश्यक हैं तथा जिन्हें समाज अथवा राज्य मान्यता प्रदान करता है। या फिर ऐसे मौलिक अधिकार जो व्यक्ति के अधिकार हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। इस तरह से मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, इसको व्याख्या सहित व्याख्या भी कर दी कि मौलिक अधिकार क्या है। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए और जीवित रहे इसके लिए, उसका विकास हो इसके लिए, ऐसे अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा गया है। इतना क्लियर आपको? तो यहाँ पर देख सकते हैं, मौलिक अधिकार दो प्रकार के, यानी कि मौलिक अधिकारों को हमने दो भागों में बांटा है। एक ऐसे अधिकार जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं और एक ऐसे अधिकार जो नागरिक और अनागरिक दोनों को ही प्राप्त हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है, भारत में अन्य विविधता वाला देश है जिसमें हर कम्युनिटी के और बाहर से भी लोग सद्भावनापूर्ण यहाँ पर रहते हैं। तो नागरिकों को भी कुछ, अब यहाँ के नागरिक है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिए जाएंगे ना, तो वही कुछ अधिकार नागरिकों को, केवल नागरिकों को प्राप्त हैं और बाकी सभी अधिकार नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त हैं। अब कोई बाहर का व्यक्ति भारत में रह रहा है और उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज होते हुए, भारत का जो स्लोगन है सर्व धर्म कुटुम्बकम, तो इसका तो भारत फिर इसका पालन नहीं कर पाएगा। इसी के तहत भारत ने क्या किया है कि कुछ अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं सिर्फ, और बाकी सभी अधिकार नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29। चार अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, अनागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। ऐसा नहीं है कि नागरिकों को सिर्फ ये चार ही अधिकार प्राप्त हैं, ये एक तरह से एडवांस है भारतीय नागरिकों के लिए कि बाकी तो सभी आपको प्राप्त होंगे लेकिन ये सिर्फ आपके लिए है, ये अनागरिकों के लिए नहीं है। तो 15, 16, 19 और 29 जो आर्टिकल हैं वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं
बाकी सभी अधिकार 15, 16, 19, 29 को छोड़कर के सभी अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त हैं और अनागरिकों को भी प्राप्त हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ लेना। इतना हो गया हमारा कि मौलिक अधिकार दो प्रकार के बांटे गए हैं, एक नागरिकों को एक अनागरिकों को। 15, 16, 19 और 29 सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, ये अनागरिकों को नहीं मिल सकते हैं, बाकी सभी दोनों के लिए हैं। हमने डेफिनेशन देख ली मौलिक अधिकारों को भाग 3 में, संविधान में 25 भाग है वर्तमान में, इसमें से भाग 3 के आर्टिकल 12 से 33 में डिफाइन किया गया है मौलिक अधिकारों को। तो भाग कौन सा है, अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि कौन से भाग में डिफाइन किया गया है मौलिक अधिकार, भाग 3, भाग 5, भाग 7 या फिर भाग 11, तो आपका आंसर होना चाहिए भाग 3 में डिफाइन किया गया है। भाग पहले में राज्य मतलब भारत और उसके राज्य क्षेत्र है, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता है भाग 2 में, और 3 में क्या है मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से 35 तक। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है कि कौन से अनुच्छेद में डिफाइन किए गए मौलिक अधिकार, 12 से 35, 12 से 27, 12 से 40 या फिर 35 से लेकर के 51 तक। तो 35 से 51 तो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में है। ये हो गया हमारा मौलिक अधिकार क्या है, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए तथा उसके विकास के लिए आवश्यक हैं, उन्हीं को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। व्यक्ति को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। कितने अधिकार है व्यक्ति को दिए गए हैं, 6 अधिकार। 6 में भी उप अधिकार है, जैसे कहते हैं ना ये तो आपके लिए हैं लेकिन इसमें भी उप अधिकार है, तो बहुत सारे उप अधिकार दिए गए हैं। पहला है समता संबंधी अधिकार। समता का मतलब होता है समान अधिकार, सभी को समान अधिकार। बट इसमें भी क्या रहता है, इसमें भी अपवाद रहता है, जो महिलाएं हैं पिछड़ी हुई, जो बच्चे हैं, जो अन्य वर्ग है जैसे दलित वर्ग हो गया या पिछड़े वर्ग हैं जो, उनको क्या देना है, उनको थोड़ा आरक्षण देना है, तो समता के अधिकार से अलग चले जाएंगे। अब जैसे नौकरियों में आप कहते हैं ना आरक्षण दिया जाता है, तो वो क्यों दिया जाता है, इसका तो उल्लंघन हो गया समता संबंधी अधिकार। इसमें तो हमारे आर्टिकल में तो लिखा हुआ है कि समता संबंधी अधिकार है, सभी को समान अधिकार है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, कुछ लोगों को एक्सेप्शन भी है जैसे आरक्षण दिया जाता है, प्रोन्नति में भी उन्हें आरक्षण दिया जाता है, तो ये इसीलिए दिया जाता है कि जो कमजोर वर्ग है उसे समानता पर लाना। तो किस लिए दिया जाता है, समानता पर लाने के लिए जो आरक्षण दिया जाता है उसको नहीं माना जाएगा कि ये इसका विरोध कर रहा है, ये इसका उल्लंघन कर रहा है। समता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में डिफाइन किया गया है। तो इसमें ये 4 आर्टिकल आ गए, 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल आ गए। फिर है स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, तो ये ही हमारे उप अनुच्छेद है एक तरह से, सब क्लॉज में करके आता है, तो वैसे यहीं पर यहां पर आ जाएगा अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, तो यहां पर 5 आर्टिकल आ गए। स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, 19, 20, 21, 22, 4 अधिकार आ गए इसमें, जो मैंने कहा है ना उप अनुच्छेद एक तरह से, तो वही है इसमें। स्वतंत्रता संबंधी अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में ये डिफाइन किए गए हैं। अब यहां पर देख सकते हैं 19 में भी 6 प्रकार के अधिकार में दिए गए हैं, 4 अधिकार तो यहां मिल गए 19, 20, 21, 22, फिर 19 जो आर्टिकल है उसमें भी 6 प्रकार के अधिकार हमें दिए गए हैं, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बच जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, निरायुध हमें कोई भी मतलब अपने निरायुध कोई भी जैसे वो करते हैं ना सरकार के खिलाफ कोई भी हमें उस सरकार का विरोध करने की स्वतंत्रता, लेकिन बिना हथियारों के, इस तरह से हमें इसमें भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है आर्टिकल 19 में। और यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। जब आर्टिकल 352 के तहत तो आपातकाल लगाया जाता है सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण या आंतरिक किसी अशांति की वजह से, तो उस टाइम पर हमारे सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यानी कि अभी हमारा अधिकार क्या है,
कहीं भी हम आ जा सकते हैं, लेकिन जब देश में इमरजेंसी लगी हो, आपातकाल लगा हो, तो हम नहीं आ जा सकते, क्योंकि सूचना एक जगह से दूसरी जाएगी और हो सकता है वो हमारे दुश्मन को पहुंच जाए, तो वो अपनी होशियारी से आक्रमण करने में सफल हो जाए। इस कारण से आपातकाल में 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं। ये हमें आर्टिकल 359 के तहत दिए गए हैं, एक एडवांस हमें वो दी गई है, राइट दी गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी किसी कोई बच्चा है, उससे क्या कराया जा रहा है, शोषण कराया जा रहा है कि उससे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, कारखानों में काम कराया जा रहा है, कोयला उससे निकलवाया जा रहा है, वो छोटा बच्चा है, उसके खाने खेलने की उम्र है, तो सरकार इसका विरोध करेगी और उस बच्चे को उसका अधिकार दिलाएगी। इसी को कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी महिला का शोषण किया जा रहा है, बच्चों का शोषण किया जा रहा है, अल्पसंख्यक वर्गों का, जो निचले वर्ग है उनका शोषण किया जा रहा है, तो सरकार उसकी रक्षा करेगी और उसका शोषण नहीं होने देगी। इसी को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा गया है, जो हमें आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, अभी हमें धर्म की स्वतंत्रता है, मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। अगर मैं कहूँ कि मैं हिंदू हूँ और मेरा सामने वाला भी वो भी मेरे धर्म को ही माने, तो ये तो उस पर अत्याचार हो जाएगा, ये तो उसके धर्म का उल्लंघन हो जाएगा। उसको अपने धर्म को जब मानने की उसे आजादी नहीं है, तो उसे जीने का भी अधिकार नहीं है, एक तरह से हमने उसकी आजादी छीन ली, उसका जीवन छीन लिया। तो इसी के तहत सरकार कहती है, जो राज्य है हमारा, वो कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता सभी को है, सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए अबाध रूप से स्वतंत्र है। ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अभी मैं कोई भी स्कूल खोलती हूँ, कोई भी कॉलेज खोलती हूँ, उसे मुझे चलाने का अधिकार है। सरकार मुझसे ये नहीं कह सकती कि तुमने ये स्कूल क्यों खोला है, तुम इस कॉलेज को क्यों चला रही हो, नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी ये स्वतंत्रता है जो मुझे संविधान ने दी हुई है, तो मैं इसको कर सकती हूँ। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मैं किसी बच्चे को कोई भी शिक्षा दे सकती हूँ, सरकार मुझसे ये नहीं कह सकती है कि तुम शिक्षा क्यों दे रही हो। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मैं अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकती हूँ, सरकार मुझे नहीं रोक सकती है और ना ही कोई व्यक्ति रोक सकता है मुझे। क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मुझे संविधान ने दिया हुआ अधिकार है, कोई मतलब सभी को प्राप्त है, ये नहीं मैं अपना नाम ले रही हूँ तो मुझे ही प्राप्त है, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है जो भारत के नागरिक हैं और जो भारत के अनागरिक हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि इनको छोड़ करके बाकी सभी अधिकार नागरिक अनागरिक दोनों को प्राप्त हैं, और ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। अब आप कहेंगे कि आर्टिकल 31 कहाँ गया, तो वो भी हम पढ़ेंगे, मैंने नोट में डाल रखा है, क्योंकि अभी हमारा वो मौलिक अधिकार नहीं है आर्टिकल 31, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है इसमें। अगर आपके इन मौलिक अधिकारों का, इन पांच मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है किसी का भी, इसमें भी मैंने बताया ये सब अधिकार हैं आप एक तरह से आपके, इनमें से किसी का भी उल्लंघन हो रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाएंगे, आर्टिकल 32 के तहत। इसमें भी पांच प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इसमें भी पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं डिफाइन की गई हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम एक बार ओवरव्यू देख रहे हैं, कल हम एक एक आर्टिकल को उठाएंगे और एक एक आर्टिकल को फिर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था। अगर हमारे अधिकार सरकार छीनती है या फिर कोई व्यक्ति छीनता है, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं, अगर उनकी कोई अवमानना कर रहा है, तो वो भी तो एक व्यक्ति है, जज होने से पहले वो एक भारत के नागरिक हैं, तो उनका अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो भी अवमानना का केस दायर कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो सभी को ये मौलिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारत का नागरिक हो चाहे भारत का अनागरिक हो।
नेक्स्ट है संविधान। अब ये नोट है, संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे। मैंने तो आपको यहाँ पर 6 प्रकार के अधिकार बताए कि संविधान में 6 प्रकार के अधिकार हैं। ये प्रेजेंट में है 6 प्रकार के अधिकार, लेकिन संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे। किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर थोड़ा नीचे कर दूं, दिख रहा है आपको? हाँ, संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया तथा संपत्ति का अधिकार अवैधानिक अधिकार है। पहले कौन से अधिकार में था संपत्ति का अधिकार? आर्टिकल 31। इसीलिए तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, क्योंकि अब ये निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यहाँ से हटा के कहाँ रख दिया गया है? तो आर्टिकल 300 क में रख दिया गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया था? आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया था। 1978 में ही संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाकर इसको किसकी श्रेणी में? अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया था। और अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। अब देखो ये 300 का कहाँ है, जो आर्टिकल 300 का। अब आपसे एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को 300 आर्टिकल 31 से तो हटा दिया गया और 300 क में डाल दिया गया। 300 का जो आर्टिकल है वो कौन से भाग में पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए भाग 12 के अध्याय 4 में। अब ये संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार हो गया है। क्या हो गया है? अब ये भाग 12 के अध्याय 4 के तहत संपत्ति का जो अधिकार है वो वैधानिक अधिकार हो गया है। इसे हम अच्छे से समझते हैं, क्या है इसका मतलब, वैधानिक अधिकार का मतलब क्या है। देखो वैधानिक अधिकार का यहाँ पर मतलब दिया गया है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और उसके बाद संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। पहले क्या होता था कि जब सरकार को कोई भी हाईवे निकालना है, कोई भी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, वहां पर ऐसी जगह है कि वहां पर इंडस्ट्री चल सकती है बढ़िया तरह से, कच्चा माल उपलब्ध है वहां पर ऐसी जगह पर, तो सरकार की संपत्ति तो है नहीं, व्यक्तियों की संपत्ति है। सरकार को वो चाहिए कि हाँ अगर हमने यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा लोगों को बढ़िया तरह, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो बूस्ट होगी एक तरह से, तो अच्छा है अगर हम यहाँ पर एक फैक्ट्री लगा दे तो। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति की जमीन पड़ रही है, तो सरकार क्या करने लगी, इसे हड़पने लगी। बिना व्यक्ति को ना तो मुआवजा देती थी ना कुछ देती थी, और व्यक्ति की जो संपत्ति होती थी उसे हड़प लेती थी। तो ऐसे एक व्यक्ति की जब संपत्ति हड़पी गई तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, उसने गुहार लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ पर प्रावधान किया कि अगर आप किसी की संपत्ति को लेते हो, देखो देश के विकास के लिए सरकार की संपत्ति तो है नहीं, अब सरकार हड़पे तो गलत है कि भाई व्यक्ति को भी तो कुछ मिलना चाहिए अगर आप किसी की संपत्ति ले रहे हो तो। तो वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी की संपत्ति लेते हो तो उसे मुआवजा दोगे आप, यानी कि उतनी जितने की उसकी जमीन है उतना उसको पैसा दोगे जब ये आप जमीन ले सकते हो। तो इसी कारण से ये यहां से हटा करके, मौलिक अधिकार से हटा करके एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया कि किसी की संपत्ति को आप विधि के अधीन ही हड़प सकते हो, बिना विधि के अधीन नहीं हड़प सकते हो। इसी के कारण इसे क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया, क्योंकि आर्टिकल तो पहले से ही डिफाइन थे, फिर एक और आर्टिकल बनाया अनुच्छेद 300 क उसमें डाल दिया गया, और संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। तो आपको क्या याद रखना है, संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया ये हमने देख लिया कि सरकार किसी की भी संपत्ति को ऐसे ही नहीं हड़प सकती है, इस कारण से हटाया गया था। अनुच्छेद संविधान संशोधन 44वां किया गया था 1978 में, और उसके बाद संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया था, और अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है क्या संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, क्या संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, या संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल ड्यूटी है, या संपत्ति का अधिकार एक मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी है, या फिर संपत्ति का अधिकार डीपीएसपी में आता है।
नीति के निदेशक तत्वों में आता है। तो आप बता सकते हैं कि ये एक वैधानिक अधिकार है वर्तमान में। अगर पूछे कि क्या मौलिक मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार था, नहीं, ये बाद में जोड़ा गया है 44 संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं अब देखो यहाँ पर मैंने अनुच्छेद 12 नहीं बताया, आपको 13 नहीं बताया, और मैंने यहाँ कहा था कि भाग तीन में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई 12 और 13 आर्टिकल कहाँ गए, तो इनका एक्सेप्शन वो यहाँ लिखा हुआ है। ये देखते हैं क्या है इसमें, आर्टिकल 12 और 13 में क्या है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें। अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था, समाज अथवा राज्य मान्यता प्रदान करता है किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को। तो यहाँ पर राज्य क्या है, राज्य का मतलब क्या भारत है, राज्य का मतलब क्या उत्तर प्रदेश है, क्या हरियाणा है, क्या राजस्थान है, या फिर बिहार है। तो राज्य का मतलब देखते हैं, राज्य का मतलब क्या है, संसद, राज्य की विधायिका, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत आते हैं। संसद हो गई, राज्य की विधायिका हो गई, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर तथा भारत सरकार के अधीन, भारत की सीमा के भीतर जितने भी स्थानीय अधिकारी होंगे या फिर भारत सरकार के अधीन जितने भी स्थानीय अधिकारी होंगे, प्राधिकारी होंगे, वो सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। राज्य की श्रेणी में यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, संसद तो आई जाएगी, राज्य विधायिका आ जाएगी, और जितने भी अन्य स्थानीय प्राधिकारी होंगे वो सब आ जाएंगे, जैसे कि सरकारी कंपनियां। सरकारी कंपनी को भी एक राज्य कहा गया है। तो अगर ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं, अगर ये हमारे उल्लंघन करते हैं, तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई व्यक्ति करे या फिर सरकार करे, कोई भी राज्य की श्रेणी में जो ये आते हैं ये करें, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। जब हम ये पूरे फंडामेंटल राइट कर लेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटी करेंगे, और उन दोनों का फिर डिफ्रेंशिएशन देखेंगे कि फंडामेंटल में क्या डिफरेंस है और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है, और डीपीएसपी में यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या डिफरेंस है। उससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा जो भी होगा। तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है, संसद, राज्य की विधायिका, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे सरकारी कंपनियां, बहुत सारी सरकारी कंपनियां, ONGC ले सकते हैं आप, और जितनी भी ऑयल निकालने वाली जितनी भी कंपनियां हैं सरकारी, सभी राज्य की श्रेणी में आती हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत, अगर कोई मूल अधिकार हैं उनका कोई खिलाफत करती है, कोई भी ऐसी विधि जो उसके खिलाफ जाती है या उसमें कमी करती है, ऐसी विधियों को आर्टिकल 13 में रखा गया है। अब इसे डिफाइन करके देखते हैं पूरा, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 13 क्या कहता है, यह व्यवस्था है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो किसी मौलिक अधिकार को छीनती हो या उसमें कमी करती हो। कौन नहीं बनाएगा, राज्य। और राज्य, हमने ये देखा कि ये सारे राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो सरकारी कंपनी हो गई, विधायिका हो गई, संसद हो गई, सरकार हो गई, कोई भी हो गया, वो हमारे अधिकारों को ना तो कम कर सकती है और ना उसके विरुद्ध में कोई भी अपनी विधि बना सकती है, क्योंकि विधायिका, संसद ये क्या बनाती है, विधि बनाती है। तो कोई भी ऐसी नहीं विधि बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो या उसे कम करती हो। अब सरकार कहने लग जाए कि भाई ये व्यक्ति मेरा विरोध कर रहा है या फिर ये इस वर्ग के व्यक्ति मेरा विरोध कर रहे हैं, तो चलो एक ऐसी विधि बनाते हैं जो हमारा प्रोटेक्शन करे और लोगों के अधिकारों को कम कर दे। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो यह व्यवस्था है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो किसी मौलिक अधिकार को छीनती है या उसमें कमी करती है। 24वें संविधान संशोधन 1971 में स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 13 का प्रतिबंध संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू नहीं होगा।
24वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1971 में। ये स्पष्ट करता है कि संविधान के अनुच्छेद 13 का प्रतिबंध, अब सरकार कह दे कि हम तो 13 को ही खत्म कर देते हैं, मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले, यानी कि ये नागरिकों के लिए है, नागरिकों को अधिकार दे रहे हैं ना, अब सरकार कहे हम तो इसे ही खत्म कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कहता है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में स्पष्ट किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 13 का प्रतिबंध संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू नहीं होगा। अगर कल को संविधान संसद कहे कि हम तो एक ऐसा संविधान संशोधन कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम इसे खत्म कर दें, तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा नहीं कर सकती है संसद। न्यायालय ने इस अधिनियम की वैधता को स्वीकार कर लिया, परंतु साथ ही यह भी शर्त लगा दी कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध हो। अगर ये सारा दे रखा है जो इनके विरुद्ध है, तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती है संसद। फिर यहां पर है, अब इसमें ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिफाइन नहीं किया कि इसमें ये आएंगे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत दिया था, 5 अधिकार दिए थे। संसद संविधान की सर्वोच्चता से संसद छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, संविधान सर्वोच्च रहेगा। नेक्स्ट था राज्य का गणतांत्रिक व लोकतांत्रिक स्वरूप। राज्य हमारा गणतंत्र है, लोकतंत्र है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती कि आज कह दे सरकार, कल को कह दे कि हम तो तानाशाही हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट है संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति। संविधान पंथ निरपेक्ष है, संविधान हमारे भारत का कोई भी धर्म नहीं है और सभी धर्म है, तो संविधान का पंथ निरपेक्ष प्रकृति रहेगी। संविधान में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व तो दिया गया है, वो रहेगा, किसी एक वर्ग के पक्ष में संसद नहीं झुक सकती है या फिर ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का पृथककरण, उनकी शक्तियों का पृथककरण, कि कार्यपालिका कल को न्यायपालिका के कार्य में दखल देने लग जाए, न्यायपालिका विधायिका के कार्य में दखल देने लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो न्यायपालिका के अधिकारों को छीनती हो, कार्यपालिका के अधिकारों को छीनती हो या विधायिका के अधिकारों को छीनती हो। फिर फिफ्थ है यहाँ पर संविधान की संघीय प्रकृति। संविधान हमारा संघीय है, वो संघीय रहेगा, अर्धसंघीय करने की संसद कोई भी कोशिश नहीं कर सकती है। तो इस तरह से ये हमारे फंडामेंटल राइट थे जो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं। कल हम इसमें देखेंगे समता संबंधी अधिकार, इसमें 5 आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17, 18, ये देखेंगे। फिर एक एक करके स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर इस तरह से हमारा ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, इसकी पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जय हिंद जय भारत।